लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्षी दल हर रोज नए दाव लगाते और नई रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। सपा भी अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत निकल चुकी है। पीडीए महापंचायत कर लोगों को साधने में लग गई है, लेकिन इसी कड़ी में अब कांग्रेस भी लग गई है और सपा से अलग अपने मिशन में जुट गई है। बीजेपी ने जहां प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ वोटरों को साधने का काम किया, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में फैली रार चुनाव में विपक्ष को बेनतीजा साबित कर रही है। लगातार विपक्षी गठबंधन में गांठ पड़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने लोकसभा की तैयारी को लेकर यूपी की 80 सीटों पर अपने 80 कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर चुनावी जंग में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के संकेत दिए हैं। जैसा कि दिल्ली का रास्ता सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए सभी सियासी दलों की नजरें यूपी पर गड़ी हुई है। सभी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की जद्दोजहद में लगे हैं। वैसे तो यूपी में गठबंधन के मुताबिक रालोद को 7 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर सपा की सहमति बन गई है, यानी कि बची 61 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिर भी मौजूदा हालातों को देखते हुए गठबंधन में पड़ रही दरार को लेकर कांग्रेस समझदारी के साथ अपनी पार्टी की अकेले दावेदारी सुनिश्चित करती जा रही है। कांग्रेस द्वारा नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर अपनी अपनी सीटों में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। इससे कांग्रेस की मंशा साफ नजर आ रही है कि अगर बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ नहीं खड़ा हो सका, तो कांग्रेस एकला चलो की नीति के साथ अपनी पार्टी के उन तमाम दावेदारों को पहले से ही चुन चुकी होगी, जिन्हें गठबंधन में कामयाब न होने के बाद मैदान में उतारा जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।